तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे द गोल्डन एजेस ऑफ द गुप्तास। ठीक है, तो ये वाला हिस्ट्री का चैप्टर हम लोग इस वाले वीडियो में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इसका बेसिक्स और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। तो हम लोग पहले जो बुक के चैप्टर्स थे उनमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मौर्यन एम्पायर चल रहा था पहले, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद अशोका थे, बिंबिसारा थे, ये लोग थे जो लोग इंडिया पे अपना रूल कर रहे थे। इसके बाद उनके मतलब डिक्लाइन होने के बाद, यानी चंद्रगुप्त मौर्यन या फिर जो मौर्यन एम्पायर था उसके डिक्लाइन होने के बाद इंडिया पे बीच में कुछ 400-500 ईयर्स के लिए कुशंस रूल करते हैं इंडिया पे। ठीक है, तो कुशंस भी एक डायनेस्टी थी जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था। इसके बाद कुशंस के बाद हमारे जो गुप्ता एम्पायर है वो चलता है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग इन गुप्ता एम्पायर्स के बारे में ही पढ़ना है। ये लोग पावर में आते हैं कब, तो 4th सेंचुरी AD में। ठीक है, 4th सेंचुरी AD में। तो इस टाइम पे जो गुप्ताज होते हैं वो लोग अपने पावर में आते हैं, पूरे इंडिया पे वो लोग क्या कर लेते हैं, राज करते हैं। पूरे इंडिया पे नहीं करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के मोस्टली बहुत सारे पार्ट्स पे अपना किंगडम बसा लेते हैं। इसके बाद स्टार्ट ऑफ द गुप्ता रेंज। ठीक है, तो गुप्ता रेंज को स्टार्ट किया था सबसे पहले श्री गुप्ता ने। ठीक है, श्री गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की थी। ठीक है, कुशानांस को उन्होंने ही स्टार्ट में हराया था। इसके बाद लेकिन उनके टाइम पे जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो तो उतना ज़्यादा वो एक्सपैंड नहीं की, या फिर उनमें उतना कोई ज़्यादा मतलब बेनिफिट नहीं हुआ गुप्ता डायनेस्टी की। ठीक है, इसीलिए हमारा जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट राजा है गुप्ता रेन का, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से करीब 700 ईयर्स बाद का टाइम है। इस टाइम पे मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो चुका है और कुशंस का एम्पायर भी ख़त्म हो चुका है और गुप्ता एम्पायर चल रहा है। ठीक है, तो इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा होते हैं, पहले सबसे इंपॉर्टेंट राजा वो है चंद्रगुप्ता वन। ठीक है, इनका नाम भी चंद्रगुप्त है और पहले वाले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हीं के तरह इनका नाम भी चंद्रगुप्त वन है, लेकिन टाइम काफ़ी अलग है। वो 700 ईयर्स पहले का बात था चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ये 700 ईयर्स बाद का है। ठीक है, तो इनका नाम है चंद्रगुप्ता मौर्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं गुप्ता रेन के। तो यहाँ से हमको यहाँ पे पढ़ना है, इन्होंने क्या किया था। एट द जेंथ गुप्ता एम्पायर इंक्लूड नॉर्थ इंडिया। गुप्ता एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में गुप्ता एम्पायर का किंगडम चल रहा था। ठीक है, ये ईस्टर्न पाकिस्तान भी गुप्ता रेंज के पास था, गुजरात का बहुत सारा पार्ट जो है वो भी गुप्ता के पास था, राजस्थान का बहुत सारा पार्ट भी गुप्ता के पास था और बांग्लादेश तक गुप्तास के रेन में था। ठीक है, इतनी बड़ा किंगडम इनके पास था। गुप्तास के टाइम पे जो कैपिटल इन्होंने बनाया था वो है पाटलिपुत्र। आज के टाइम पे जिसको हम लोग पटना कहते हैं वो उस टाइम पे गुप्तास का कैपिटल रहा करता था। ठीक है, तो श्री गुप्ता ने गुप्ता रीजन गुप्ता एम्पायर को स्टार्ट किया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राजा होते हैं, 5 इम्पॉर्टेंट राजा जो थे वो ये हैं। पहला तो चंद्रगुप्त वन, दूसरा उनका सन समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्ता टू, उसके बाद कुमार गुप्ता और उसके बाद स्कंद गुप्ता। ठीक है, तो ये पांच जो किंग थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा माने जाते हैं गुप्ता रीजन के। हाँ, लेकिन अगर कोई पूछे कि शुरुआत किसने की थी गुप्ता डायनेस्टी की, तो शुरुआत किया था श्री गुप्ता ने। ओके, लेकिन उनके टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपेंशन या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए उनको इम्पॉर्टेंट राजा नहीं मानते हैं। ठीक है, अब सोर्स ऑफ गुप्ता हिस्ट्री, कैसे पता चला हमें इतने सारी चीज़ों के बारे में। तो इस टाइम पे बहुत सारे पुराण लिखे जा रहे थे। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में ही माना जाता है कि 18 पुराण लिखे गए थे। पुराण बुक को कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बुक्स थे, तो ये 18 पुराण माना जाता है कि गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। उसके बाद कालिदास के बारे में सबने सुना होगा, तो कालिदास जो है वो इसी टाइम पे होते हैं और इसी टाइम पे ये बहुत सारी बुक्स लिखते हैं अपने और बहुत सारा अपना लिटरेसी वर्क छोड़ कर जाते हैं वो। इसके बाद यहाँ पे कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर्स आते हैं। ठीक है, चाइना से एक ट्रैवलर आता है, एक बूढ़ा ट्रैवलर होता है, उसका नाम है फाहियान। ठीक है, ये बहुत ही बूढ़ा ट्रैवलर होता है और ये डिसाइड करता है कि चाइना से ये इंडिया में घूमने जाएगा। ठीक है, इंडिया के बारे में जानने जाएगा, इसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है। उसके बाद इट सिंह भी चाइना से ही आया होता है। उसके बाद अलाहाबाद पिलर,
ठीक है। अलाहाबाद पिलर, इसको अलाहाबाद प्रसन्ति भी कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे से मतलब इंस्क्रिप्शंस की गई हैं। इनमें खोद खोद कर, एक बड़ा सा पिलर है जिसमें खोद खोद कर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। उसके बाद गुप्तास के एम्पायर में, गुप्तास जो किंग थे उन्होंने अपने लिए कॉइन्स चलवाए थे, ठीक है। इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चला करते थे, यानी ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिच थे। और कॉइन्स के ऊपर ये लोग अपने तस्वीर बनाया करते थे, अपने बारे में लिखा करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। तो कॉइन्स को देखकर भी हम लोग जान सकते हैं कि उस टाइम पे, जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, कैसा चल रहा था इनका पूरा इकोनॉमी और कैसा था यहाँ के सारे सिस्टम्स। उसके बाद जो यहाँ के टेम्पल्स बने, नए नए जो टेम्पल्स बने उनमें भी बहुत सारा चीज़ हमें मिला। उसके बाद अजंता पेंटिंग, अजंता में बहुत सारे पेंटिंग्स मिले जिसमें हमें पता चला कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे लोगों का लाइफ कैसा था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पता चला कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पर किस तरह से चल रहा था उस टाइम पर लोगों का लाइफ। तो यहाँ पे मेनली सिर्फ 5 किंग आते हैं और इन 5 किंग्स के बारे में ही पढ़ना है। मेनली हमें 3 किंग्स के बारे में ही पढ़ना है, 2 किंग्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 किंग्स कौन है, तो सबसे पहले थे चंद्रगुप्त 1, दूसरे समुद्रगुप्त, 3rd नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्ता 2, 4th नंबर पर आते हैं कुमारगुप्त 1 और उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, ठीक है। तो सबसे पहले राजा के बारे में पढ़ेंगे, इनका नाम है चंद्रगुप्त 1, ठीक है। चंद्रगुप्त 1 जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पे ध्यान देते हैं। अपने टाइम पे वो लोग एक्सपैंड करते हैं अपने पूरे एम्पायर को, लेकिन ये लोग लड़ाई करके अपने आप को एक्सपैंड नहीं करते, ये डिप्लोमेटिक स्टेप्स यूज़ करते हैं, यानी बिना लड़े अपने एम्पायर को बड़ा करने का ये कोशिश करते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में इनका एम्पायर काफ़ी छोटा था, इनके पास कम आर्मी थी, कम रिसोर्सेज थे, तो ये लड़ नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए। जैसे इन्होंने शादी कर लिया लिंगजविच की प्रिंसेस से, ठीक है। लिंगजविच कि एक प्रिंसेस थी, वहाँ से उसने इन्होंने शादी कर लिया, ठीक है। उनका नाम था कुमारा देवी, ठीक है। उन्होंने शादी कर लिया लिंगजविच की प्रिंसेस से। इसके कारण क्या हुआ, इनको मगधा मिल गया, ठीक है। शादी करने के कारण इनको दहेज में मगधा मिल जाता है। उसके बाद इनको पाटलिपुत्र भी वहीं से मिलता है, डाउरी में, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र वही जगह है जिसको ये लोग क्या बनाते हैं, अपना कैपिटल बना देते हैं। तो उस टाइम पे दहेज में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मिला करती थी। इसके बाद हम लोग ये देखो, ये यहाँ पे मैप दिया हुआ है कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे किस तरह से इंडिया पे मैप, किस तरह कितने जगह पे गुप्त डायनेस्टी का कब्जा था। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हल्का सा ब्राउनिश कलर में जो दिख रहा है, ये जो ऐसा दिख रहा है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, हाँ। तो ये जो इस तरह से दिख रहा है, ये चंद्रगुप्त 1 के टाइम पे है, ठीक है। चंद्रगुप्त 1 के टाइम पे इतना छोटा था गुप्त एम्पायर, ठीक है, इतना छोटा था। इसके बाद एक और राजा आते हैं, ठीक है। उनके टाइम पे ये और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया अपने डायनेस्टी को। उसके बाद एक और किंग आते हैं गुप्त एम्पायर के, उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गुप्त एम्पायर को, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया था, तो इसलिए, और इनमें हम लोग नाम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो ब्राउन कलर में हमने देखा था वो चंद्रगुप्त 1 का था। उसके बाद आते हैं उनके सन, इनका नाम है समुद्रगुप्त। जो ग्रीन कलर में था वो समुद्रगुप्त है, तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये समुद्रगुप्त के टाइम पे इतना बड़ा हो गया था। और जो लास्ट है, जो हल्का सा इस कलर में है, इसको ये वाला टाइम माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त 2 ने किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त 1 दादाजी थे चंद्रगुप्त, उसके बाद आता है ये समुद्रगुप्त, ये फादर हैं। और इसके बाद आता है हमारा चंद्रगुप्त 2, ये ग्रैंड सन है चंद्रगुप्त 1 का, ठीक है। तो सबसे बड़ा था चंद्रगुप्त 1, उनका बेटा था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का बेटा होगा चंद्रगुप्त 2। इसके बाद इन्होंने क्या किया, तो लिंगजविच के साथ मिलके, लिंगजविच जिसकी बेटी से उन्होंने शादी किया था, उन राजाओं के साथ वो मिलके उन्होंने बहुत सारे जगह पर इंडिया के अटैक किया और उसको जीत लिया, ठीक है, विक्ट्रीज की, यानी लड़कर भी जीता और मैट्रिमोनियल अलायंस यानी शादी करके भी वो जगहों को अपने अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त 1 अपने आप को महाराजा धीराज कहलवाते थे, ठीक है, उनको महाराजा धीराज कहते थे। इसका मतलब होता है किंग ऑफ द किंग, ठीक है। तो चंद्रगुप्त 1 के टाइम पे क्या क्या चीज़, कौन से जगह गुप्ता एम्पायर के पास गई, तो वो था मगधा,
इलाहाबाद और अवध, ये इलाके जो थे ये गुप्त एम्पायर में ऐड हो गए थे चंद्रगुप्त वन के टाइम पे। इसके बाद आते हैं इनका सन, इनका सन का नाम है समुद्रगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन के डेथ होने के बाद उनका जो सन है वो राजा बन जाते हैं समुद्रगुप्त। इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेपोलियन के बारे में नहीं जानते होंगे, नेपोलियन जो था वो फ्रांस का एक राजा था जिसने फ्रांस में बहुत अच्छी आर्मी बिल्ड की थी और बहुत मतलब तीन तीन देश से वो अकेला लड़ गया था, ठीक है। इतना ज़बरदस्त वो राजा था कि उसने अकेले ही तीन तीन देशों से लड़ाई कर ली थी, ठीक है। तो इसी तरह समुद्रगुप्त को भी नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे जो मिलिट्री सक्सेस था वो बहुत अच्छा होता है। समुद्रगुप्त अपने मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी मिलिट्री को बहुत अच्छा बना के रखते हैं, तो इस कारण समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में कुछ नॉर्थ इंडिया के 9 रूलर्स को हरा दिया था, ठीक है। उस टाइम पर इतनी अच्छी आर्मी इन्होंने खड़ा किया था कि इन्होंने 9 रूलर्स हराए थे सिर्फ नॉर्थ इंडिया के। इसके बाद 12 रूलर्स हराए थे इन्होंने साउथ इंडिया के, ठीक है। तो साउथ इंडिया के 12 रूलर्स और नॉर्थ इंडिया के 9 रूलर्स, यानी 21 रूलर्स को इन्होंने डिफीट किया था। इसके बाद ये भी मतलब हाँ, तो इन्होंने साउथ की तरफ भी बहुत सारे जगहों को जीता था, लेकिन ये साउथ में डायरेक्टली अपना रूल नहीं करते थे, ठीक है। तो साउथ हमारे नीचे की तरफ है और वहाँ पे क्या करते थे, वो मतलब वो जीत कर वो जो इलाका है वो किसी और को दे देते और उनको बोलते कि तुम क्या करो, हर साल मुझे ट्रिब्यूट दो, यानी कुछ पैसे या फिर सोने के सिक्के या फिर जितना भी अनाज होता है वो तुम साल साल में एक बार मेरे यहाँ पे जमा करके जाओ और इसके बदले में मैं तुम्हें उस जगह पे राज करने दूंगा। ऐसा करने का वो समुद्रगुप्त ऐसा सिस्टम बना के वहाँ पे राज किया करते थे। इससे उनको भी फ़ायदा होता था और जो राजा है उनको भी फ़ायदा होता था। इसके बाद समुद्रगुप्त जो थे वो अपने पाटलिपुत्र, उसके बाद इतने सारे जगहों को जीत कर समुद्रगुप्त जो है वापस से पाटलिपुत्र चले आते हैं और वहाँ पे आकर वो अश्वमेधा यज्ञ करते हैं, ठीक है। अश्वमेधा यज्ञ होता है एक तरह का पूजा होता है जिसमें घोड़े के साथ एक पूजा की जाती है जिसमें हॉर्स का यूज़ किया जाता है। ऐसा करके चंद्रगुप्त वन जो थे वो भी ऐसा करते थे और जो समुद्रगुप्त है वो भी ऐसा अश्वमेधा यज्ञ जो होता है वो करते थे। ये भी अपने आप को महाराजा धीराज कहलवाते थे, यानी इनको भी किंग ऑफ द किंग कहा जाता था। उसके बाद टेस्ट फॉर फाइन आर्ट्स, अब लड़ाई के अलावा यानी ग्रेट लीडर टैलेंटेड मिलिट्री लीडर होने के अलावा ये लड़ाई में भी बहुत इनको आर्ट्स और मतलब जो ड्राइंग पेंटिंग म्यूज़िक ये सब भी इनको बहुत पसंद था, ठीक है। ये पैट्रॉन ऑफ आर्ट थे और लिटरेचर भी इनको बहुत पसंद था। ये खुद एक पोएट थे, यानी ये खुद पोएम लिखा करते थे। ये म्यूजिशियन भी थे, इनको बीना बजाने आता था। बीना क्या होता है, तो सरस्वती माँ जब अपने हाथों में जो लेकर रहती हैं उनको बीना कहते हैं, जिसको पुराने ज़माने का गिटार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनको ये खुद बजाने आता था, ये बहुत अच्छे जो म्यूजिशियन थे, पोएट भी ये बहुत अच्छे थे। उसके बाद इन्होंने अपने टाइम पे कॉइन्स चलवाए थे, ठीक है, कॉइन इशू करवाए थे। ये कॉइन्स सोना का हुआ करता था, तो देखो ऊपर में ये कॉइन दिया हुआ है, ये सोने के जो कॉइन दिख रहे हैं ये समुद्रगुप्त के टाइम पे चलते थे और इन्होंने इस कॉइन्स पे जो इंसान का फ़ोटो दिख रहा है ये खुद समुद्रगुप्त ही हैं, ठीक है। इन्होंने अपने ही फ़ोटो को अपने कॉइन पे इम्प्रिंट करवाया है। उसके बाद ये बीना बजाना बहुत पसंद किया करते थे, समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए बहुत अच्छा लगता था, इसलिए इन्होंने कॉइन्स पर अपने आप को बीना बजाते हुए ही दिखाया है। उसके बाद ये जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, ये उनको काफ़ी ऑनर किया करते थे, काफ़ी सारा गिफ्ट और काफ़ी सारा अवार्ड दिया करते थे। तो इनमें हरिसेना को इन्होंने अवार्ड दिया है, वासुबंधु को अवार्ड दिया है, उसके बाद असंघा को इन्होंने अवार्ड दिया है। इवन अपने जो कोर्ट होती है जहाँ पे वो जस्टिस दिया करते थे वहाँ इनको वो जगह भी देते थे ताकि वो लोग क्या कर सके, उनका हेल्प कर सके जस्टिस प्रोवाइड करने में। उसके बाद हरिसेना जो थे वो एक बहुत बड़े पोएट थे और मिनिस्टर भी थे समुद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है, यानी दोनों थे ये। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद प्रशांति को पेंट किया है, यानी इलाहाबाद प्रशांति के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इनप्रिंट करके लिखी गई है, इन्होंने ही उस लिखने में काम किया है। इसके बाद हाँ, और जो इलाहाबाद प्रशांति है वहाँ पे समुद्रगुप्त के टाइम पे क्या क्या कैसा चलता था, राजपाट कैसे वहाँ के लोग रहते थे, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है।
समुद्रगुप्त को माना जाता है कि वो हिंदुइज्म के बहुत बड़े बिलीवर थे, यानी वो हिंदू धर्म को बहुत अच्छा मानते थे। इसके बाद वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, वो बहुत बड़े डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के। लेकिन हाँ, वो हिंदू तो बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, इसके साथ साथ वो टॉलरेट करते थे बाकी धर्म के लोगों को भी, यानी वो बाकी धर्म के लोगों को भी मतलब वो अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो करने में हेल्प करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो सबको बोलते कि तुम हिंदू बन जाओ, ऐसा नहीं करते थे। जिसको बुद्धिज़्म फॉलो करना है वो बुद्धिज़्म फॉलो करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था इससे। और ऐसे करके वो टॉलरेट किया करते थे बाकी सारे धर्मों को। इसके बाद उन्होंने किंग ऑफ मेघावर्णा जो उस टाइम पे श्रीलंका के राजा थे, उनको इन्होंने परमिशन दी थी कि वो अपने यहाँ पे बड़े बड़े मॉनेस्ट्रीज़ बनवाए। ठीक है, मॉनेस्ट्रीज़ बनवाए यानी बुद्धिस्ट लोगों का जो टेंपल होता है उसको मॉनेस्ट्री होता है कहते हैं, तो वो बनवाने का उन्होंने परमिशन दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने बोधि ट्री जो होता है, जहाँ पे गौतम बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था या फिर उनको ज्ञान मिला था, उस जगह पे उन्होंने बोध गया में एक बड़ा सा पिलग्रिम बनवाया, जो जिसको हम लोग और उसके बाद श्रीलंका में भी इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज बनवाए, जिसको आज के टाइम पे महाबोधि संघर्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज हैं। तो देखो, ये महाबोधि संघर्मा है जो श्रीलंका में है। ठीक है, इसके साथ साथ बोध गया में जो बोधि ट्री के नीचे जो बड़ा सा मॉनेस्ट्री बनाया गया है वो भी हमारा समुद्रगुप्त ने ही बनवाया है। ठीक है, इसके बाद इनका जो सन आता है इसका नाम है चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, ये चंद्रगुप्त टू है। ठीक है, इनके दादाजी का नाम क्या था तो इनके दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त टू वन। ठीक है, और इनका नाम है चंद्रगुप्त टू। ये किसके बेटे हैं, तो ये बेटे हैं समुद्रगुप्त के। इनके टाइम पे माना जाता है कि इनको विक्रमादित्य कहते थे। ठीक है, इनको विक्रमादित्य क्यों कहते थे, तो विक्रमादित्य कहा जाता है सन गॉड को, यानी सूर्य भगवान को विक्रमादित्य कहा जाता है। तो ये भी अपने आप को विक्रमादित्य कहलवाते थे या फिर इनको विक्रमादित्य कहा जाता था। और कुछ नोद इसमें दिखाया गया है, तो नोद इसमें दिया गया है कि बैताल पच्चीसी 25 कहानियाँ हैं जिसमें विक्रम और बैताल के बारे में लिखा गया है। मेरे ख्याल से आपने सुना होगा विक्रम और बैताल का जो स्टोरी होता है वो सब, तो ये वही स्टोरीज़ हैं। इनमें 25 स्टोरीज़ हैं जिसको विक्रम और बैताल की कहानी कहते हैं या फिर बैताल पंचीसी कहा जाता है। इसके बाद तो इनको सन गॉड कहते थे। किसको, चंद्रगुप्त टू को। चंद्रगुप्त टू जो था वो भी मैट्रिमोनियल अलायंस किया करता था, यानी वो भी शादी करके अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने पे ध्यान देता था। ठीक है, तो इन्होंने शादी की थी कुबेर नागा से। ठीक है, ये प्रिंसेस थी नागा क्लैन की। ठीक है, नागा क्लैन की जो प्रिंसेस थी कुबेर नागा, इससे इन्होंने शादी कर ली थी। इसके बदले में इन्हें काफ़ी सारा जो जगह है वो मिला होगा। इसके बाद इसके साथ साथ इन्होंने अपनी डॉटर जो थी, इनकी डॉटर का नाम है प्रभा भावती, इसका मैरिज करवा दिया था रुद्रसेना से। ठीक है, जो उस टाइम पे वक्तका किंग थे। ठीक है, इसका अपने इन्होंने शादी की थी कुबेरा नागा से, और अपनी बेटी का इन्होंने शादी करवाया था प्रभावती का रुद्रसेना टू से। ठीक है, बस इतना ही बताना है। इसके बाद चंद्रगुप्त टू जो थे उन्होंने सकास को डिफीट किया था और मालवा के बहुत सारे जगह पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, मालवा कहाँ पे, तो मालवा आज के टाइम पे जो इंडिया है उसके नीचे के साइड में कुछ यहाँ पे, तो हाँ, तो ये रहा मालवा। इस जगह पे इन्होंने कब्जा कर लिया था और अपने गुप्त डायनेस्टी में इसको ऐड कर लिया था। इसके बाद कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, इन्होंने वेस्टर्न पार्ट के भी बहुत सारे इलाकों को कब्ज़ा किया था, पाकिस्तान और ऐसे बहुत सारे इलाकों पे इन्होंने पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद इनका जो एम्पायर है वो गुजरात तक पहुंच गया था। ठीक है, गुजरात कहाँ पे है, तो वेस्ट साइड में है हमारा, उसको उस टाइम पे सौराष्ट्र कहते थे। उसके बाद इनके टाइम पे जो चंद्रगुप्त टू जो थे उनके टाइम पे जो हमारे इंडिया में दो कैपिटल्स हुआ करते थे, क्यों, क्योंकि ये एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए एक कैपिटल से इनके ऊपर राज करना या फिर इनको कंट्रोल करना इजी नहीं होता, काफ़ी हार्ड होता था। इसलिए इन्होंने दो कैपिटल्स बनाए थे अपने, ताकि आराम से इतने बड़े जगह पर राज कर सके। तो सबसे पहला कैपिटल है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, और जो पहले वाला कैपिटल था पाटलिपुत्र, वो तो होगा ही।
तो पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैन भी इनका एक सेकेंड कैपिटल की तरह यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसके टाइम पे ही थ्री इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स जो होते हैं, समुद्री किनारे जो होते हैं, वो गुप्ता एम्पायर के अंडर में चले आए थे। अब जो सी पोर्ट्स जो होते हैं, इनका फ़ायदा क्या है, तो सी पोर्ट अगर मान लो किसी एम्पायर में होता है तो वो लोग ट्रेड बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस ट्रेड और फॉरेन कंट्रीज़ के जो रिलेशंस होती हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस कारण पाटलिपुत्र और उज्जैन में ट्रेड और ये सब काफ़ी अच्छा होता था। इस कारण से बहुत सारा जो पैसा है वो इकोनॉमी में ऐड होता था, गुप्ता एम्पायर के इकोनॉमी में, ठीक है। तो इस कारण से पाटलिपुत्र और उज्जैन बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर्ड थे, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे सिटीज़ थे, यहाँ बहुत सारा अच्छा अच्छा सिस्टम था। इसके बाद पैट्रॉन ऑफ आर्ट, तो अपने दादाजी और अपने पापा की तरह ही चंद्रगुप्त टू जो थे वो, उनको भी आर्ट्स और ये सब में बहुत लगाव था, वो हिंदू आर्ट को बहुत अच्छा पसंद किया करते थे। इसके बाद लिटरेचर भी उनको बहुत पसंद था, उसके बाद कल्चर साइंस ये सब भी इनको बहुत अच्छा लगता था। इनके टाइम पे ये जो फील्ड्स हैं, जैसे लिटरेचर हो गया, हिंदू आर्ट हो गया, उसके बाद कल्चर हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये लोग अच्छा से बढ़ते हैं। इनके टाइम पे नौ रत्न हुआ करते थे, ठीक है। तो नौ रत्न यानी नौ ज्वेल्स, इसको ऐसे कहा जाता है कि नौ पर्संस रहते थे इनके अपने एम्पायर में, या फिर अपने साम्राज्य, या फिर अपने जो महल होती है वहाँ पे पैलेस में, जो अपने अपने फील्ड में एकदम एक्सेलेंट थे। तो किस फील्ड में एक्सेलेंट थे वो लोग, तो कुछ लोग लिटरेचर में एक्सेलेंट होंगे, कुछ म्यूज़िक में, कुछ साइंस में, इस तरह के फील्ड्स में वो लोग एक्सेलेंट थे। तो ऐसे नौ लोगों को वो अपने पास रखा करते थे ताकि उनका जो सारे जो चीज़ें हैं वो अच्छे से एक्सपैंड करें। इसके बाद आते हैं कालिदास। कालिदास जो थे वो बहुत बड़े पोएट थे, संस्कृत का सबसे बड़ा पोएट कालिदास को ही माना जाता है आज भी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, बहुत सारे पोएम्स लिखी हैं, और बहुत सारा ड्रामा भी लिखा है, ठीक है। तो ये कालिदास जो हैं वो भी नौ रत्न में से एक रत्न थे चंद्रगुप्त टू के डायनेस्टी में, ठीक है। चंद्रगुप्त टू के पैलेस में ये भी वहाँ पर हुआ करते थे, और ये भी नौ रत्न में से एक रत्न है हमारे, इन ये संस्कृत के बहुत बड़े पोएट और ड्रामाटिस्ट थे। इसके बाद डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर जो है वो कैसे डिक्लाइन हो गया, जो चीज़ शुरू होता है वो कभी ना कभी तो ख़त्म होता ही है, तो कैसे ख़त्म हुआ गुप्ता एम्पायर। तो देखो, कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता, चंद्रगुप्त टू के बाद इनका जो सन है कुमार गुप्ता, और कुमार गुप्ता के जो सन थे स्कंद गुप्ता, ये दोनों ही अच्छे राजा थे, अच्छे एफिशिएंट राजा थे। लेकिन इनके बाद जो राजा आते हैं वो लोग इतने एफिशिएंट नहीं होते, या फिर इतने अच्छे नहीं होते कि इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके, और लगातार इनके ऊपर काफ़ी अटैक्स होते हैं, जिस कारण से वो लोग मतलब पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाते हैं, यानी उनका जो साम्राज्य है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे तो बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, उन्होंने अश्वमेधा यज्ञ भी करते थे, अपने आप को वो चक्रवर्ती राजा कहलवाते थे, कौन, चंद्रगुप्त टू। इसके बाद कुमार गुप्ता आते हैं, ठीक है। कुमार गुप्त को भी मतलब बहुत अच्छा लगता था आर्ट और कल्चर, यानी यहाँ के जितने भी लोग हैं इनको आर्ट और कल्चर बहुत अच्छा लगता है, ये लोग स्कॉलर्स भी थे, तो ठीक है। तो कुमार गुप्त जो है वो बहुत बड़े स्कॉलर्स भी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने इनके टाइम पर ही नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें माना जाता है कि एक टाइम पे 300,000 लोग मतलब वहाँ पे रहते थे, और पढ़ाई लिखाई और बहुत सारी चीज़ें किया करते थे, और बाहर बाहर से जो लोग हैं वो वहाँ पे आते थे और पढ़ा करते थे, ठीक है। तो बाहर बाहर देशों से लोग स्टडी करने के लिए इंडिया आते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो कब बनी थी, जो 5th और 12th century के बीच में बनी थी, और ये सेंचुरी कब का टाइम है, तो ये वही टाइम है जिस टाइम पे जो गुप्त एम्पायर है या फिर गुप्ता रीजन है वो चल रहा था इंडिया में। इसके बाद जो लास्ट किंग आता है वो है स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त, ये लोग भी मतलब एक अच्छे राजा थे। इन्होंने हंस को हराया था, इन्होंने हंस को इंडिया से बाहर निकाल दिया था। तो हंस कौन है, तो हंस जो है वो रशिया के रहने वाले कुछ जनजाति लोग हैं जो एशिया पे हमला किया करते थे, और वहाँ के जो जगह हैं उन पे कब्ज़ा कर लिया करते थे, ठीक है। तो ये नॉर्मल नोमैंडिक लोग होते थे, ये लोग बड़े बड़े आर्मी बना के हमला करते थे बड़े बड़े एम्पायर्स पे, और जितने जीत जाते थे वो उन पे कब्ज़ा कर लेते थे, और वहाँ के लोगों को मार दिया करते थे, और जितना लूट सकते हैं वहाँ से लूट कर वापस चले जाते थे। तो कुमार गुप्ता ने क्या किया था,
कि हुंस को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। उनके टाइम पे हुंस जो थे वो मतलब इंडिया से बाहर भगा दिए गए थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, तो कुमार गुप्ता का जब डेथ हो जाता है तो इनके जो सन्स आते हैं, स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त ही दो बड़े राजा थे। इसके बाद जो राजा आते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, वो हुंस के अटैक को नहीं झेल पाते। और उस टाइम पे क्या होता है कि हुंस उनके बहुत सारे जगहों पे कब्ज़ा कर लेते थे, उनको उनके लोगों को मार दिया करते थे वो लोग, हुंस लोग। तो इस कारण से ये लोग इतने अच्छे राजा नहीं माने जाते हैं। इसके बाद जो गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर्स किनको कहा जाएगा, तो उस टाइम पे जो जो प्रिंस होते हैं उनको गवर्नर बना दिया था ताकि वो लोग क्या कर सके, छोटे छोटे जगहों पे राज कर सके, ठीक है। मान लो अगर गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा है तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते थे ताकि इस पे कंट्रोल करना इजी हो। तो एक एक मान लो ये एक रीजन है तो यहाँ पे एक गवर्नर रहेगा, यहाँ पे कोई और गवर्नर, यहाँ पे कोई और गवर्नर, और यहाँ पे कोई और गवर्नर रहकर उस जगह पे गवर्न करेगा और उस जगह को सही से चलाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो राजा होंगे उनको बस इन गवर्नर्स के ऊपर ही ध्यान रखना है और बाकी वो पूरा रीजन उनके टाइम पर चलेगा। इसके बाद तो हाँ, तो गवर्नर जो थे उस टाइम पे, वो इस टाइम पे अकेले ही रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, वो लोग आपस में ही लड़ने लगे थे। और इस कारण से जो गुप्ता एम्पायर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और इस कारण से वो मतलब एकदम ही 6th century आते आते वो बहुत ज़्यादा टुकड़ों में, छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया। अब छोटे छोटे किंगडम्स को हराना तो बहुत ईजी होता है, और इसका फ़ायदा उठाते हैं वो जो हुंस के लोग थे, वो नोमैंडिक लोग जो रशिया से आए थे, वो लोग इन छोटे छोटे किंगडम्स को आराम से हरा देते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाते हैं और वो छोटे छोटे जो इलाके हैं उन पे कब्ज़ा कर लेते हैं। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन, क्या कारण थे, तो पहला तो ये था कि उनके टाइम पे जो राजा थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इनहैबिटेड राजा थे, जो रूलर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, वो लोग हुंस के अटैक को भी नहीं झेल पाए, इस कारण से वो लोग इतने अच्छे राजा नहीं माने जाते, और यही कारण था कि जो गुप्ता डायनेस्टी है वो ख़त्म हो गई। इसके अलावा भी कुछ और कारण है, जैसे बंगाल, बिहार, इन सब इलाकों में जो उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों के जो गवर्नर्स थे जिनको वो जगह पे राज करने के लिए दिया जाता था, और जो जगह दी गई थी वो इतने अच्छे नहीं थे, वो लोग आपस में ही लड़ा करते थे। इस कारण से जो वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वो गुप्ता एम्पायर के हाथ से निकल गया, और आपस में लड़ने के कारण वो जो जगहें हैं वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई। इससे क्या होता है, तो वेस्टर्न इंडिया के पास हमारे जो सी पोर्ट्स हैं वो थे, ठीक है, समुद्री किनारे थे। इसका क्या होता है, तो अब हम लोग क्या होता है कि जो गुप्ता एम्पायर है वो लोग सिंपली अब वो लोग ट्रेड नहीं कर पाते बाहर से, बाहर से सामान मंगा नहीं पाते, बाहर सामान बेच नहीं पाते। इससे क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में लॉस होता है, इनको बहुत ज़्यादा मतलब जो लॉस हो जाता है इनके पैसों में वो लॉस होता है, इनका ट्रेड बहुत ही सफल हो जाता है। उसके बाद इनके जो कॉमर्स होती है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, ट्रेड ख़राब हो जाता है, और ऐसे करके इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस होता है। इसके बाद स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त के बाद माना जाता है कि कोई भी ऐसा बड़ा राजा नहीं बना जो इतने बड़े रीजन पे ठीक से कब्ज़ा कर सके, और ज़्यादातर जो गुप्ता किंग्स थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे, और यही कारण था कि जो गुप्ता डायनेस्टी है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई, ठीक है। ये समरी वाइज है, इसको एक बार पढ़ लेना तो हो जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो सोशल सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मेनली हम लोग पांचों राजाओं के बारे में पढ़ चुके। सबसे पहले जो किंग थे वो चंद्रगुप्त वन थे, उसके बाद दूसरे थे चंद्रगुप्त, उसके बाद दूसरे थे समुद्रगुप्त, और थर्ड नंबर पे आए थे चंद्रगुप्त टू, इसके बाद फोर्थ नंबर पे कुमारगुप्त, और फाइव नंबर पे आए थे स्कंदगुप्त, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन था, सबसे अच्छा ये तीन मेनी सबसे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये फोर नंबर और जो फाइव नंबर पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं गुप्ता रीजन के, ठीक है। इसके बाद जो राजा लोग आए थे वो लोग बहुत ही बेकार थे, इतने अच्छे नहीं थे, उनके टाइम पे वो संभाला नहीं गया उनका, इस कारण से वो लोग मतलब जो गुप्ता डायनेस्टी है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, एंड थैंक यू, बाय बाय।